नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीपेश वार्मिंग। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड में भर्ती निकले उसको, जो मध्य प्रदेश पावर जनरेटर कंपनी है, मध्य प्रदेश शासन का उपक्रम है जो कि जबलपुर में है दोस्तों, उसमें भर्ती निकली है सहायक अभियंता मैकेनिकल के इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के पदों पर। ठीक है, टोटल 3 पदों पर बंपर भर्ती निकली है दोस्तों। तो आप इसमें अगर आवेदन करना चाहते हैं तो इसकी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, योग्यता क्या रहेगी, इसमें एज लिमिट क्या रहेगी, सैलरी क्या रहेगी, आवेदन किस प्रकार से कर सकते हैं, इंटरव्यू से सिलेक्शन होगा या चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, सभी जानकारी आपको देने वाले हैं। वीडियो को आप एंड तक देखिए, एंड चैनल पर नए हो तो जहां से चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड इसका नोटिफिकेशन कहाँ मिलेगा वो भी हम आपको बता देंगे। तो बस वीडियो को एंड तक देखिए। जैसे कि आप सभी को पता है हमारी YouTube चैनल होने के साथ साथ एक वेबसाइट भी, जिसका नाम है GORNews24, GORNEWS24। जैसे आप लिखकर सर्च करेंगे आपके सामने जो है पहली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक है, पहली वेबसाइट पर आपको क्लिक कर देना है एंड कुछ देर आपको वेट कर लेना है। एंड यहाँ पर आप जैसे ही स्क्रोल डाउन करेंगे यहाँ पर आपको फॉलो का एक ऑप्शन दिख जाएगा, इसे जरूर फॉलो कर लीजिए। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड हेतु सहायक अभियंता के पद पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन एवं नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। जरूर से वेबसाइट को फॉलो कर लीजिए एंड हमारे सोशल मीडिया अकाउंट को भी फॉलो कर लीजिए। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड मध्य प्रदेश पूर्ववर्ती मध्य राज्य विद्युत मंडल की उत्तरवर्ती कंपनी है। मध्य प्रदेश शासन के पूर्ण स्वामित्व का उपक्रम है तथा मध्य प्रदेश में विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में कार्यरत है। अपने ताप एवं जल विद्युत संयंत्रों के संचालन, साधारण नवीन संयंत्रों के निर्माण एवं अन्य आवश्यकताओं हेतु सहायक अभियंता के पद पर सीधी भर्ती निकाली है। इस नियम पुस्तिका में जब तक अन्यथा उल्लेखित ना किया हो, कंपनी अथवा संगठन शब्द का अर्थ मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड है। भर्ती का पद अगर हम देखें तो दोस्तों सहायक अभियंता के पद पर इसमें भर्ती निकाली है। ठीक है, आवेदन प्रारंभ की तारीख है इसकी 22/10/2024 से इसके आवेदन प्रारंभ हो जाएंगे। ठीक है, अभी 2 दिन बाकी है और लास्ट डेट इसकी 20/11/2024 है। आवेदन शुल्क है जो अगर आप ST SC से हैं तो आपको 600 रुपये लगेंगे और अगर आप जनरल और OBC से हैं तो आपको 1200 रुपये यहाँ पर दिए जाएंगे, देना होगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो आप जो पेमेंट करेंगे, जो आवेदन फॉर्म की जो फीस रहेगी वो नॉन रिफंडेबल रहेगी, इसका कोई आपको रिफंड नहीं दिया जाएगा। टोटल पद की बात करें तो दोस्तों 44 पद यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, 44 पद देखने को मिल जाएंगे। कौन कौन से है चिन्हित किए गए, कौन कौन से पद है, सहायक अभियंता के पद है, सहायक अभियंता विद्युत के पद है और सहायक अभियंता इलेक्ट्रॉनिक्स के पद है। ठीक है, और यहां पर आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम आयु सीमा जो आपकी 1/1/2024 की स्थिति के अनुसार आपकी 21 से 40 वर्ष की होनी चाहिए। कार्य का अनुभव, अगर आपके पास कार्य अनुभव है तो आयु सीमा में आप 5 वर्ष अधिकतम प्राप्त कर सकते हैं। वर्ष तक की छूट दे, सभी प्रकार की छूटों को शामिल करते हुए स्थिति में प्रति वर्ग के लिए अधिकतम आयु में 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर आपको आयु सीमा में छूट मिल रही है तो अधिकतम आयु आपके 45 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। और अन्य पिछड़ा वर्ग के संबंध में लागू आयु सीमा में छूट केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी गैर क्रीमी लेयर उम्मीदवार पर ही लागू होगी। शैक्षणिक योग्यता अगर बात करें तो अगर आप सहायक अभियंता मैकेनिकल में आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास AITUGC द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय संस्था से मैकेनिकल इंजीनियर में नियमित VI BTEC अथवा MI डिग्री उत्तीर्ण होना चाहिए। अगर आप सहायक अभियंता विद्युत में आवेदन करना चाहते हैं तो सेम आपके पास वो डिग्री होनी चाहिए जो कि सहायक अभियंता मैकेनिकल में मांग रहे हैं, और सहायक उपकरण में भी आपको सेम डिग्री होना चाहिए। डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें तो डॉक्यूमेंट आपको 10वीं 12वीं मध्य प्रदेश का स्थायी मूल निवासी प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दिव्यांग प्रमाण पत्र अगर आपके पास है और अनुसूची आपने जो जो पढ़ाई की है और नवीन छाया प्रति हाला आपकी फोटो, आवेदन पर आपके हस्ताक्षर, आयु सीमा में छूट के संबंध में दस्तावेज, सभी ये जानकारी आपको देना है। और अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो यहाँ पर आवेदन ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु सहायता के लिए आवेदन पोर्टल में दिए जाएंगे, हेल्प डेस्क के टैब के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है। हेल्पलाइन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी दोस्तों। ठीक है, सैलरी की अगर हम बात करें तो असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल को दी जाएगी दोस्तों 56,000 से 1,77,000 तक। ठीक है, 12वें वेतनमान से आपकी सैलरी जो है वो, तीनों पद जो पोस्ट है उन पर 12वें वेतनमान से आपको दी जाएगी। असिस्टेंट
में आपको दी जाएगी 56,000 से 1,77,000, एंड यहाँ पर असिस्टेंट इंजीनियर में आपको 56,000, मतलब तो तीनों की सैलरी यहाँ पर सेम रहेगी। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस आपको कंप्यूटर आधारित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। चयनित आवेदकों को संबंधित वर्ग के अनुसार श्रेणी वर्ग एवं वर्गवार विज्ञप्ति पदों के अनुसार आवश्यक आवश्यक दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया जाएगा, ठीक है। और आवेदन किस प्रकार से करना है, आवेदन केवल आप ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं। एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं। और ऑफिशियल नोटिफिकेशन अगर आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ पर क्लिक का ऑप्शन दिया गया है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए क्लिक करें। तो यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके सामने जो है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो ओपन हो जाएगा, एंड यहाँ पर ये 24 पेज का पूरा नोटिफिकेशन आपके सामने डाउनलोड हो गया। इसमें आप पूरी जानकारी यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वेबसाइट को भी सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके साथ जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद।